नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम आलू अनारदाना बनाएंगे देसी घी और अनारदाना के साथ में। बने हुए आलू का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं या पिकनिक पर जा रहे हैं तो पूरी या पराठे के साथ आलू अनारदाना बनाकर ले जाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए देखें आलू अनारदाना बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हमने 4-5 उबाले हुए आलू ले लिए हैं और ग्राम्स में नापेंगे तो ये 300 ग्राम आलू हैं। 2 टेबल स्पून घी लिया है, 1 छोटी चम्मच ऊपर तक भर के अनारदाना ले लिया है, 1 हरी मिर्च हमने बारीक काट ली है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और 3/4 छोटी चम्मच नमक। ये स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। तो आलू अनारदाना बनाने के लिए हमें आलू छील करके पहले तैयार करने होंगे। और इधर हम अपनी गैस ऑन कर देते हैं ताकि ये हमारा पैन भी गर्म हो जाएगा। ये आलू हमने छीलकर तैयार कर लिए और हमारा पैन भी गर्म हो गया है, तो पैन में हम घी डाल देंगे। और ये आलू हम 4 या 6 पीसेस में काट लेंगे। आलू हमने काट कर तैयार कर लिए और घी भी मेल्ट हो गया है, तो घी में हम जीरा डालेंगे और जीरा भुन गया है, हींग पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे। मसाले को बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे और अब आलू डालेंगे। नमक डाल देंगे, लाल मिर्च और मीडियम आग पर आलू को चलाते हुए अच्छा क्रिस्प कर लेंगे। आलू को हमें 1/2 मिनट में चला देंगे। आलू अच्छे क्रिस्प हो गए हैं। आलू को हमने 5 मिनट तक इसी तरीके से घी मसाले में थोड़ा थोड़ा देर में चलाते हुए भून लिया है। और अब हम गरम मसाला और अनारदाना डाल करके मिक्स कर देंगे। बस 1-2 मिनट इसे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। आलू अनारदाना तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और सब्जी को प्याले में निकाल लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट आलू अनारदाना बनकर के तैयार है। आलू अनारदाना बहुत जल्द बन जाते हैं। आप आलू अनारदाना बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।